गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टेक मैथ्स 2 सब्जेक्ट इन विच वी विल सॉल्व 1.1 एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर प्रैक्टिस सेट 1.1 इज रिटन. फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो. नंबर लाइन दी है, नंबर लाइन के नीचे बोला कि डिस्टेंस निकालना है, राइट. जिसमें से Q का वैल्यू -5 है, P का वैल्यू -4 है, K का वैल्यू -3 है. सब वैल्यूज दिए हैं और नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. इज दिस करेक्ट? टुडे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, कोऑर्डिनेट इज, एवरी पॉइंट कोऑर्डिनेट इज गिवन. ये सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंस B और E निकालना है. डिस्टेंस B एंड E, करेक्ट. नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस. डिस्टेंस B एंड E, नाउ coordinate of B is equal to 2 and coordinate of E is equal to, if you see this timeline, it is 5. In this, 5 coordinate is greater than 2 coordinate, correct? 5 कोऑर्डिनेट जो है, 2 कोऑर्डिनेट से ग्रेटर है. दे आर फॉर डिस्टेंस बी ई इज इक्वल टू 5 -2 इज इक्वल टू 3. इज इट करेक्ट? नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस जे ए. जे का वैल्यू है -2, ए का वैल्यू है 1. Coordinate of J is equal to -2 and coordinate of A is equal to 1. अब इन दोनों में greater number कौन सा है? -2 smaller, 1 greater. Therefore, distance JA is equal to 1 -2 is equal to 1 plus 3 is equal to 4. Is it correct? Now we'll see the next question. We'll see last question and remaining question you have to solve. Distance QB. Distance QB. Q value is -5, B value is 2. Okay? Distance QB. The distance QB, coordinate of Q is -5. एंड बी का वैल्यू कितने? 2. देयरफॉर, और इन दिस -5 स्मॉलर एंड 2 इज ग्रेटर, करेक्ट. देयरफॉर वी कैन से डिस्टेंस क्यू बी. तो पहला बड़ा वाला लिखना है, 2 माइनस करना, स्मॉलर माइनस करना, ठीक है. तो 2 प्लस 5 -5 -5 प्लस 2 प्लस 5 7, देयर आंसर विल बी 7. इज इट करेक्ट? Now we'll see the next question. Next question is similar. Question 2. If the coordinate of A is X and B is Y, find distance AB. Same question, similar question, फिर भी एक हम लोग solve करके ले लेंगे, right? तो similar way we have to solve. Question फिर से read करते हैं. If the coordinate of A is X and B is Y, find distance AB. Then पहले में X का value कितना है? 1. Y का वैल्यू कितना है? 7. मैं फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मिडिल क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है. और सिक्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. सिक्स वाला क्वेश्चन कौन सा है? सिक्स वाला क्वेश्चन है, X का वैल्यू है 4, Y का वैल्यू है -8. ये दो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है. सी हियर, सी ऑलरेडी आई हैव रिटन द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 7. इसमें से हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 7. आई होप 1 इज स्मॉलर, 7 इज ग्रेटर. देयर आर फोर
distance AB is equal to 7 minus 1 is equal to 6. Is this clear? Next question, distance x over 4y over minus 8 there. Coordinate of A is equal to x is equal to 4. Coordinate of B is equal to y is equal to minus 8. Therefore, distance, sorry, एक स्टेप भूल गया, इसमें से 4 इज ग्रेटर एंड माइनस 8 इज स्मॉलर, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, करेक्ट? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. First question, second question, third question. If no textbook is there, I hope आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा. फिर भी कुछ डाउट्स रहेगा तो यू कैन आस्क. गुड डे, थैंक यू.